हर कोई चाहता है कि उनका जॉब उन्हें अच्छी सैलरी दे। हालांकि शुरुआत में सबकी सैलरी कम ही होती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो सैलरी भी बढ़ती जाती है। ऐसे में आज हम आपको टीवी सितारों की पहली सैलरी बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेजेंट में स्टार वैल्यू के अनुसार एक टीवी सितारे को एक एपिसोड करने के लाखों रुपए तक मिलते हैं। हालांकि जब इन लोगों ने भी करियर की शुरुआत की थी तो बहुत कम सैलरी पर इन सेलेब्स ने काम किया था। दिव्यांका त्रिपाठी। सीरियल ये है मोहब्बतें से टीवी की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ऑल इंडिया रेडियो में भी काम कर चुकी हैं। दिव्यांका को AIR के एक शो के लिए 250 रुपए मिले थे, जो उनकी पहली कमाई थी। शिखा सिंह। कुमकुम भाग्य से अपनी किस्मत बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस शिखा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि 8 साल पहले सलाम जिंदगी नाम के शो में उन्होंने काम किया था, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपए मिले थे। हीना खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस हीना खान की फर्स्ट सैलरी 45,000 रुपीस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है के कुछ एपिसोड्स के मेहनताने के तौर पर दी गई थी। कविता कौशिक। FIR से मशहूर हुई कविता कौशिक ने अपनी पहली कमाई कॉलेज के दिनों में की थी। रिपोर्टेडली उन्होंने पढ़ाई के दौरान एक चैनल पर शो को होस्ट किया था, इसके लिए उन्हें 1500 रुपए मिले थे। कपिल शर्मा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंड अप कॉमेडियन से फिल्म एक्टर तक का सफर तय करने वाले कपिल शर्मा को पहली कमाई के तौर पर 1500 रुपए मिले थे। ये पैसे उन्हें एक क्लॉथ प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम करने के लिए मिले थे। इस बात का खुलासा खुद कपिल ने हाल ही में किया था। टीना दत्ता। टीना दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली टीवी सीरियल सिस्टर निवेदिता से की थी। उनको सबसे ज्यादा लोकप्रियता कलर्स टीवी के सीरियल उतरन से मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पहली सैलरी सिर्फ 500 रुपए थी और उन्होंने उस पैसे से भगवान के लिए प्रसाद खरीदा था, जबकि कुछ पैसों से पानी पूरी खाई थी। श्रद्धा आर्या। श्रद्धा आर्या ने टीवी सीरियल ड्रीम गर्ल से काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली। श्रद्धा आर्या की पहली सैलरी 10,000 रुपए थी। उन्होंने सबसे पहले डिटर्जेंट एड में काम किया था। उन्होंने इन 10,000 से अपने परिवार वालों को मैरियट होटल में ग्रैंड ब्रेकफास्ट करवाया था। विवियन डी सेना। रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुबाला सीरियल से पहचान बनाने वाले विवियन को एक फैशन शो में फर्स्ट सैलरी के रूप में 3,400 रुपए प्राप्त हुए थे। आशा नेगी। पवित्र रिश्ता से पहचान पाने वाली एक्ट्रेस आशा नेगी आज एक जाना माना नाम है। टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आशा देहरादून के BPO में काम करती थी, जिसके लिए उन्हें मंथली 3,500 रुपए मिलते थे। करण पटेल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण ने बैंक ऑफ अलाहाबाद का एक विज्ञापन किया था, जिसके लिए उन्हें 600 रुपए मिले थे। रश्मि देसाई। कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी एक्ट्रेस रश्मि देसाई की पहली सैलरी 1,000 रुपए थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैलरी उन्हें एक फोटो शूट के लिए दी गई थी। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए टेली मसाला।